आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज तुम्हारा जो सवाल है इसमें दिया क्वथनांक का सही क्रम है, ठीक है। और देखो क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक होता है जैसे हमारे पास कोई भी यौगिक है, जब उसको जब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलते हैं तो जिस तापमान पर वह वाष्प अवस्था में बदलता है उसे क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा ए बी यौगिक है, अब इसे अगर हम द्रव मतलब इसको अगर हम वाष्प अवस्था में बदलना चाहें तो जिस तापमान पर यह बदलेगा वह क्वथनांक कहलाएगा, ठीक। अब देखो यह किन बातों पर निर्भर करेगा, तो देखो ए और बी के बीच का जो बंध होगा यह जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा हमें तापमान की जरूरत पड़ेगी, यानी इसे तोड़ने में उतना ही ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा, ठीक। तो अब हमें यह देखना है कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब में ए और बी के बीच में बंध कितना है, कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम है। तो देखो यहां से हम यानी यह भी कह सकते हैं कि जो क्वथनांक होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है बंध का जो स्थायित्व होता है, ठीक है, बोल सकते हैं ये। तब देखो हमें ये देखना है कौन ज्यादा स्थायित्व कौन नहीं है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं H2O2 की, ठीक। तो देखो H2O2 क्या है, इसमें अगर इसकी हम संरचना बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनती है, दो हाइड्रोजन लगते हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन जो है इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक। जब हाइड्रोजन बंध करेगा तो एक हाइड्रोजन इधर का प्रयोग करेगा और इधर का प्रयोग करेगा, और अगर यहीं पर हम H2O की संरचना बनाएं देखो ये कुछ ऐसा बनता है ये, ठीक। तो इसमें भी देखो दो हाइड्रोजन है लेकिन इसमें ऑक्सीजन एक है, इसमें कितने हैं ऑक्सीजन दो है, तो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन बंध से यहाँ पर ज्यादा बनेगा क्योंकि इसके पास दो ऑक्सीजन है, तो ये दो हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन से बंध बनाने के लिए इसके पास दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इस कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्ड की बात करें तो इसमें देखो ज्यादा होगी और इसमें कम होगा, इसमें भी एच बंध पाया जाता है इसमें भी पाया जाता है लेकिन इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए इस पर एच बंध ज्यादा होगा, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं D2O की, ठीक है। तब देखो D2O और H2O2 तीनों में को अगर हम तुलना करें तो H2O2 में देखो सबसे यहां पर एक बात आती है लंदन बल। तो देखो जो लंदन बल होता है ये अणु के किसी भी यौगिक के अंदर का बल होता है, यानी अगर लंदन बल ज्यादा होगा तो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, ठीक। तो लंदन बल जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है आणविक भार के, ठीक, आणविक भार। तब देखो यहां से अगर देखें D2O और H2O में तो इसका आणविक भार ज्यादा है यानी कि इसमें लंदन बल ज्यादा होगा, तो लंदन बल अगर इसमें ज्यादा होगा तो इससे इसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर इसमें लंदन बल ज्यादा है यानी इसका स्थायित्व ज्यादा है यानी कि हमें ज्यादा तापमान देना पड़ेगा यानी कि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो D2O और H2O तो हमने यहां पर देख लिया कि D2O का जो है ये H2O से बड़ा होगा, इसके कारण है लंदन बल और यहां पर H बंध भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी लंदन बंध से, हमने इसको एक्सप्लेन किया। अगर हम इसी प्रकार हम लंदन बल का प्रयोग करके D2O और H2O बता सकते हैं कि इसमें D2 का बड़ा होगा क्योंकि लंदन बल इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसका आणविक भार ज्यादा है। इसी तरह अगर बात किया जाए H2O2 और H2O में अगर बात करें, अब देखो यहाँ पर D2 और H2O की अगर बात किया जाए तो H2O में होता है H बंध, इस कारण से यह D2 से बड़ा होगा। अब अगर बात किया जाए H2O2 और H2O को, तो हमने यहाँ पर पहले ही बात कर चुके हैं, तो यहाँ से हमने एक एक्सप्लेनेशन ये बात निकाला कि यहाँ से H2O2 की जो है यह H2O से बड़ी होगी, ये D2O से भी बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर H बंध ज्यादा हो रहे हैं। तो आता है हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जाएगा H2O2, फिर D2O, फिर H2O, फिर D2, फिर H2, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।